हिंदी साहित्य के गद्यमान नक्षत्र और ओज रस से परिपूर्ण रामधारी सिंह दिनकर ने एक कालजयी महाकाव्य लिखा है रश्मिरथी। उसका तृतीय सर्ग है कृष्ण की चेतावनी। यह अंश मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। क्या संदेशा लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी गर बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दीप्ति जितने ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृघों दृघो तो दृश्य कांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सेतु मधुमंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि शरद जलधर धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। और अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सकल, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो मुझे बांधना चाहे मन, जो मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वर्णि प्रखर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा, दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई भाई पर टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूशाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। धन्यवाद। भाव के आवेग में अगर भाषागत कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा।